सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आपका इंतजार होता है खत्म यहाँ पे, तो अपने प्राइजेस आ चुके हैं ग्रैंड विटारा के, और ग्रैंड विटारा के एक और वेरिएंट के अंदर हम बैठे हैं, मतलब अल्फा कर चुके हैं, अल्फा प्लस कर चुके हैं, तो अभी बैठे हैं डेल्टा के अंदर। और रिसेंटली जल्दी आपके लिए सिग्मा की वीडियो भी आ जाएगी, तो इसके प्राइस आ चुके हैं अब। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 11,90,000 रुपए की एक्स शोरूम पड़ती है आपको, और ऑन रोड अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी जैसे आप शोरूम विजिट करोगे प्राइसिंग आने के बाद। तो क्या क्या ऑफर कर देता है डेल्टा वेरिएंट और कितना वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला और क्या क्या चीजें ऑफर करता है, सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और भाई एक स्पेशल थैंक्स ऑटोनेशन नेक्सा को, जो कि पलवल में लोकेटेड है शोरूम। नंबर आपकी स्क्रीन पे, अगर आप इस गाड़ी के ऊपर या फिर नेक्सा से रिलेटेड किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई भी अच्छी डील प्लान कर रहे हो तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो बेझिझक। जब भी आप कॉल करोगे तो यही भाई फोन उठाएंगे और अच्छी से अच्छी डील देने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि आप अगर फोन करो तो आप निराश होकर फोन ना काटो और अच्छे से अच्छा ऑफर आपको मिले। तो अभी गाड़ी के बारे में बातचीत करते हैं। ये है इसका डेल्टा वेरियंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, स्मार्ट हाइब्रिड। तो अभी आपको क्या क्या ऑफर कर देता है, तो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर करते हैं, देखना आगे तक। और अभी गाड़ी चाबी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है इस गाड़ी की चाबी, मतलब कि इस चाबी से आप आइडिया लगा सकते हो कि डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको कीलेस एंट्री ऑफर होगी, मतलब कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आएगी और ये इस तरह का मिलता है की फॉब, जहां पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है, पीछे सुजुकी का लोगो, इसको साइड में करके अपनी फिजिकल की आप एक्सेस कर सकते हो। दोनों स्मार्ट कीज आपको देखने के लिए मिलती है, जस्ट इनको रख सकते हो साइड में, यहाँ पे मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अब इसके अंदर वैसा हाइब्रिड तो है नहीं, मतलब प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, तो ये थोड़ा आपको क्रोम में देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज ये ब्लू कलर में आता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते, यहाँ पे लाइट लेवलिंग डायल है। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो आपको बताओगे फर्स्ट पुश पे अपना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है, सेकंड पुश पे ये गाड़ी ऑन हो जाती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे 8000 तक की आरपीएम है, 220 की टॉप स्पीड है, ये आपको एनालॉग देखने के लिए मिलते हैं डायल जितने भी हैं, ये 8000 तक की आरपीएम 220 की टॉप स्पीड जो आप देख रहे हो ये अपना एनालॉग देखने को मिलती है। टेम्परेचर और फ्यूल भी एनालॉग है, बट बीच में मिलती है एक एमआईडी जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, ट्रिप बीट, टॉर्क वगैरह, पावर फिगर क्या है, माइलेज क्या निकाल के दे रही है, सारी चीजें इस गाड़ी की आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, और स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है एक नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील, नॉर्मल इन दी सेंस इसके ऊपर कोई लेदर रैपिंग नहीं है, बाकी स्मार्ट स्टेयरिंग व्हील अपना। यहाँ पे अपने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इस वेरियंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है डेल्टा वेरियंट के अंदर, यहाँ पे फोन उठाने काटने के लिए बटन है, वॉइस कमांड वाला फीचर है, और ये थोड़ी सी सिल्वर हाईलाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन भी है, तो ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए रहने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। ऊपरी साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, दो येलो कलर की रीडिंग लाइट है, मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम है, इधर की साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है भाई। और ये है गाड़ी का केबिन, मतलब कि वो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, थोड़ा महरूम सा भी, तो थोड़ा मतलब ये लगा लो सूरज छुप चुका है, शाम के टाइम वीडियो शूट हो रही है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है, ये थोड़ी गन मेटल हाईलाइट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आता है टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा, टाइम अपना जितना भी है, मतलब डेली इन्फॉर्मेशन वो तो है यहाँ पे दिखती रहेंगी, म्यूजिक, माइलेज वगैरह वो चीजें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। हेजरलाइट की बटन, एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन है, आईडी स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक यूएसबी पोर्ट है, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ आता है 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का। और ये चीज जो आप देख रहे हो ये पैटर्न, ये नीचे की साइड यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। दो कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, आर्म रेस्ट है जो कि ऐसा स्लाइड भी होता है, तो काफी सहूलियत रहेगी, और काफी डीप मिलता है अपना आर्मरेस्ट, मतलब कि वॉलेट वगैरह आपका आ जाएगा इजीली, और ये पूरा लेदर रैपिंग मिलती है इसके ऊपर, और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड अगर आप देखते हो तो 3 पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच, और यहाँ पे डेड पैडल के लिए अलग से प्लेसमेंट दी हुई है, और काफी अच्छी ग्रिप भी बनाई हुई है। तो ये चीजें हैं, इधर की साइड बोनट खोलने के लिए लेवर है, फ्यूलिड खोलने के लिए लेवर है, और ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट। और अभी चलते हैं पीछे, पीछे की स्पेस की बात करते हैं और पीछे क्या क्या ऑफर होता है वो सारी चीजें देखते हैं, फिर गाड़ी की बाहर की प्रूफ है, लास्ट में इंजन कंपार्टमेंट की बात करेंगे। सो पीछे जाने से पहले डोर पैनल की बात करें तो ड्राइवर साइड डोर आप देख लो, यहाँ पे अपने गन मेटल स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, क्रोम का डोर लेवर है, ये पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ये पूरा फैब्रिक देखने को मिलता है यहाँ पे, ताकि आपकी एल्बो वगैरह को हट ना हो।
हो। चार पावर विंडोज हैं, ड्राइव साइड विंडो जो है अपन टच अप डाउन मिलती है, डोर्स के लॉक हैं, विंडोज के लॉक हैं, यहाँ पे अपने ORMs का फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हो, बट ये सभी एक्टिव होंगे जब गाड़ी ऑन हो जाएगी, यहाँ से आप इन्हें कर सकते हो। एडजस्ट स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर की प्लेसमेंट है, ट्विटर वगैरह की इसकी खासी प्लेसमेंट है नहीं। और यहाँ पे मिलती है 6-way मैनुअल एडजस्टेड सीट और ये फैब्रिक सीट्स मिलती हैं सेम इसी पैटर्न में, मतलब ये कलर है और यहाँ पे और ब्लैक, तो ये ऐसी चीज़ है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं गाड़ी के हिसाब से अगर बात करें तो, मज़ा आ जाएगा आपको बैठ के। और एक बार जरूर चेकआउट करना इस वाले वेरिएंट को अगर आपका बजट ऐसा है कि भाई 11 से 13 लाख के बीच में है। तो अभी पीछे की स्पेस की बात करते हैं, तो पीछे जाने से पहले ये देख लो पीछे का डोर पैनल, कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी फैब्रिक मिलता है, ये अपना पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा मैरून सा। और यहाँ पे गनमेटल स्ट्रिप है, क्रोम डोर लिवर, पावर विंडो, कंट्रोल, स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर। और अभी पीछे की स्पेस वगैरह बातचीत करें तो भाई देखो स्पेस वगैरह में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं चीज़ें। 5 नंबर मेरी हाइट है, आप देख सकते हो मेरे पास कितनी स्पेस है पीछे, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं आपको। अपने यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, एक USB टाइप, एक टाइप सी, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है अपने डैशबोर्ड का व्यू, ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार। आगे भी रीडिंग लाइट मिलती हैं और यहाँ पे साइड में मिलती हैं रीडिंग लाइट, और ये येलो कलर की आपको मिलेंगी जिन्हें आप ऐसे बंद कर सकते हो। 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल हैं कुछ इस तरीके के, जो कि ऐसे ईजी फोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे अपना कोट वगैरह हैंग करने के लिए कुछ भी आपको मिल जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, 60-40 का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, और इसमें आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। सीट फैब्रिक की है बट आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। और एक सेकेंड आर्मरेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और काफ़ी स्टडी पोजीशन पे, मतलब कि आप देख सकते हो नीचे लटक नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये है बीच में एक मिनिमल सा अंतर, बाकी गाड़ी चौड़ी काफ़ी है, तो आपको पीछे तीन बंदों की स्पेस काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। अभी बूट दिखाते हैं, फिर गाड़ी बाहर की प्रोफाइल बात करेंगे और फिर लास्ट में इंजन कंपार्टमेंट। सो अभी बूट को एक्सेस करने के यहाँ पे तरीके बताता हूँ आपको। एक तो मैग्नेटिक बटन है और एक रिक्वेस्ट सेंसर है। अगर आपको सिर्फ डिग्गी ही अपनी ओपन करनी हो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर अलग से दिया हुआ है, बाकी हमें ऐसे अगर गाड़ी पूरी ओपन है तो यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर से भी आप इसे खोल सकते हो। सिंपल 2 बटन्स आपको मिलती हैं। पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा शानदार। ये व्हील कैप्स आएंगे जो कि आप देख सकते हो, सुजुकी का लोगो है इनके ऊपर कुछ इस तरीके से। बूट लैंप है, यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट में भी अपना एक 12 का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है बूट में। 60-40 का ऑप्शन है। पार्सल ट्रे की प्लेसमेंट, यहाँ पे बकेट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। दोनों साइड स्पेस देखने के लिए मिलती है। और इसके नीचे मिलता है अपना स्पेयर व्हील, और जो कि मेरे हिसाब से बाहर के टायर्स के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। सो इसकी बात करें तो पहली बात तो स्पेयर व्हील अपने स्टैंडर्ड टायर्स के हिसाब से, मतलब जो चारों हैं वही है। ये अपोलो का टायर है, उसके टायर सेक्शन की बात करें तो 215/60/8/17 का कुछ ऐसा मिलेगा स्टील व्हील, मतलब कि 17 इंच का अपना स्टील व्हील है। अभी इसे बंद कर लेते हैं जल्दी से और अभी बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट के बाहर की प्रोफाइल की, कि बाहर से आपको क्या क्या ऑफर करती है। तो अभी बात करें कि ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट आपको क्या क्या ऑफर करता है। अपनी फ्रंट प्रोफाइल से बातचीत करें तो यहाँ पर अपना DLS वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है, प्रोजेक्टर बेस ही मिलते हैं, हेडलैम्प्स, बाकी जितनी भी आप स्टांस वगैरह देख रहे हो पूरा ही ग्लॉसी ब्लैक है। यहाँ काफ़ी बड़ी सी ग्रिल देखने के लिए मिलती है और रिवर्स कैमरा मिलता है इसके अंदर, बट यहाँ पर कोई फ्रंट कैमरा जैसी कोई प्लेसमेंट आपको नहीं मिलती है। पूरी क्रोम ग्रे मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक, और ये पूरे अपने लिप्स वगैरह मिलते हैं क्रोम के। नीचे अपना सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये गाड़ी की डायमेंशन है स्क्रीन पर देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और साइड सेक्शन में आए तो ये देखो भाई, ये देखो, अभी अल्ट्रा वाइड पर स्विच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, लगा लो सूरज ढल चुका है तो क्लियरिटी नहीं आएगी बिल्कुल भी। पूरी क्लैडिंग वगैरह मिलती है, स्टील व्हील आते हैं इसके अंदर, सेम वही अपोलो का टायर है और 17 इंच की प्रोफाइल है इनकी, दिखा देता हूँ आपको। अपोलो का टायर है और टायर सेक्शन की बात करें तो ये रहे यहाँ पे 215/60/17, तो 17 इंच का कुछ ऐसे मिलते हैं व्हील्स जिनके ऊपर व्हील कैप्स आएंगे। यहाँ बॉडी कलर्ड ORMs मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स के साथ, जिन्हें आप अंदर से फोल्ड एंड फोल्ड एडजस्ट कर सकते हो। क्लैडिंग वगैरह मिलती है गाड़ी को, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स की प्लेसमेंट है, ऊपर साइड कोई रूफ रिल्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल विंडोज मिलती हैं। और ये वाला पोर्शन आपको डेल्टा वेरिएंट में मिलता है अलग से, जो अलग से हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे पीछे की साइड की बात करें डेल्टा वेरिएंट में तो ये कुछ इस तरीके के मिलते हैं LED बेस्ड टेल लैंप्स डेल्टा वेरिएंट में। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, ग्रैंड विटारा लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे, सुजुकी का लोगो है, रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है, नीचे की साइड नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मिलता है अपने इंडिकेटर्स और बैकलाइट रिफ्लेक्टर्स के साथ। और पीछे की साइड 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3, 4 वहाँ पे। और ये पीछे की साइड सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी आपको देखने के लिए मिलती है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और इधर की साइड से डलेगा गाड़ी में पेट्रोल यहाँ से। और रिक्वेस्ट सेंसर की बात करें तो ये को पैसेंजर साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है।
और अभी बात करते हैं गाड़ी की इंजन प्रोफाइल की, कि इंजन कैसा मिलता है, कैसी प्रोफाइल मिलती है और कितनी पावर आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो जल्दी से इंजन की बात करते हैं। सो अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग वगैरह सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। और फिर आता है यहाँ पे ट्रस्टवर्दी इंजन जो कि 1462 cc का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 101 bhp निकालता है, 136 nm का टॉर्क मिलता है, 45 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और 21 माइलेज कंपनी क्लेम करती है 45 L के फ्यूल टैंक से। तो ये है पूरा इंजन कंपार्टमेंट आपके सामने, एक साइड की बैटरी वगैरह है और ये देख सकते हो पूरी तरीके से। और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो ये था आपके सामने ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट, और रिसेंटली आपके लिए जल्दी ही सिग्मा की वीडियो भी आ जाएगी। तो प्लीज ट्यून रहना चैनल पे। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप अच्छी से अच्छी डील ले सकते हो उस गाड़ी के ऊपर। और हम फिर मिलते हैं, बाय बाय।